Hey guys, welcome back to your point guys. आज की इस वीडियो में हम लोग दुनिया के सबसे फेमस और इंगेजिंग वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड मूवीज के बारे में जानेंगे। इन मूवीज के अंदर आपको इस वॉर के इमोशन, सैक्रिफाइस और भावनाओं को डिटेल्स में आपके सामने दिखाया गया है। इस लिस्ट में मैंने जिस भी मूवी को इंक्लूड किया है वो सारी मूवीज टॉप नॉच है। सो ज्यादा टाइम ना लगा के आज की इस कमाल की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो इस लिस्ट में हमारी पहली मूवी है सेविंग प्राइवेट रायन। जॉन रहा है वॉर ड्रामा। इस मूवी के अंदर आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर की कहानी को देखने को मिलता है, जिसमें एक सैनिक कैप्टन जॉन मिलर अपने टीम के साथ जर्मनी जाता है एक सैनिक को बचाने के लिए। इस मूवी के अंदर आपको एक्शन पैक सीन और इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलता है। सो इस लिस्ट में नंबर टू पर मूवी है डनक्रिक। जॉनर है वॉर थ्रिलर। डनक्रिक एक ग्रिपिंग वर्ल्ड वॉर टू एवेक्शन मिशन पर बेस्ड है। यह मूवी अपनी यूनिक नैरेटिव स्टाइल के लिए मशहूर है। इस मूवी के अंदर आपको थ्री टाइमलाइन एक साथ देखने को मिलता है, जिसमें लैंड, सी और एयर शामिल है। इस मूवी को देखना यानी आपको नेल बीटिंग सस्पेंस और पैट्रियट सिम का एहसास होगा। सो इस लिस्ट में नंबर थ्री पर मूवी है सचिन गिलर्स लिस्ट। जॉनर है बायोग्राफी ड्रामा। इस मूवी के अंदर ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देकर ऑस्कर सचिन गिलर्स की कहानी दिखाया गया है, जो एक बिजनेसमैन था और पोलैंड में ज्यूस को सेव करने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल देता है। यह मूवी ह्यूमैनिटी और करेज के मैसेज के लिए जाना जाता है। सो इस लिस्ट में नंबर फोर पर मूवी है इमिटेशन गेम। जॉनर है बायोग्राफी ड्रामा। इस मूवी में एलन ट्यूरिंग की इंस्पायरिंग कहानी है, जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में एक कोड ब्रेकर था। उन्होंने एनिग्मा मशीन को क्रैक किया, जिसके वजह से एलाइज ने वॉर को जीता। यह मूवी आपको इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन का एक मिसाल देती है। सो इस लिस्ट में नंबर फाइव पर मूवी है हैक्सॉ रिज। जॉनर है वॉर ड्रामा। हैक्सॉ रिज एक रियल लाइफ स्टोरी है डेस्मोंड दोस की, जो वर्ल्ड वॉर टू में एक मेडिक था और बिना बंदूक उठाए सभी को सेव करने के लिए अपने जान रिस्क में डाल देता है। इस मूवी के अंदर आपको ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की खूबसूरत तस्वीर दिखाई जाती है। सो इस लिस्ट में नंबर सिक्स पर मूवी है इंग्लोरियस बास्टर्ड। जॉनर है एक्शन ड्रामा। ये क्वेंटिन टारांटिनो की मूवी है, जिसमें एक टीम ज्यूइश सोल्जर्स और नाजी ऑफिसर को छुपे हुए ढूंढते हैं और एक थ्रेड में उनकी एक फिल्मी मिशन एक्सिक्यूट करता है। ये मूवी एंटरटेनिंग और अल्टरनेटिव हिस्ट्री का सिनेरियो दिखाता है। तो ये थी दुनिया के सबसे इंगेजिंग वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड मूवीज। इनमें से कुछ मूवीज आपको दिल को छू सकते हैं, कुछ आपको एंटरटेन कर सकते हैं और कुछ आपको एक पावरफुल मैसेज भी दे सकता है। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर मूवी है 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ फना, जो 2006 में रिलीज हुआ था। ये मूवी थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल से भरपूर है। इस मूवी के अंदर आपको जूनी नाम का एक अंधी लड़की को देखने को मिलेगा, जो रिहान नाम के एक टेररिस्ट के प्यार में पड़ जाता है। आगे क्या होता है अब मूवी में जाकर देखो, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे सस्पेंस और ट्विस्ट है, जो स्पॉइलर करना यानी पाप होगा। ये मूवी हमारी जज्बातों, भरोसा और फैसलों के ऊपर आधारित है। ये मूवी दिखाती है कि कभी कभी हमें अपने लिए सही रास्ता चुनना होता है, चाहे वो मुश्किल भी क्यों ना हो। जूनी और रिहान की प्रेम कहानी से जुड़ी ये कुछ दास्तानें हमें सिखाने वाली है कि जीत हमारी हिम्मत और ईमान की होती है। इस मूवी को आप Amazon Prime पर इजीली देख सकते हो। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ गाजी। ये मूवी 2017 में रिलीज हुआ था। गाजी एक वॉर ड्रामा फिल्म है, जो कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को दिखाता है। फिल्म का मेन फोकस होता है INS विक्रांत और पाकिस्तानी सबमरीन गाजी पर। फिल्म का सिनेमाटोग्राफी कमाल का है। समुद्र के अंदर होने वाले एक्शन सीन और सबमरीन के इंटीरियर को दिखाने का तरीका काबिले तारीफ है। इस मूवी को आप Amazon Prime पर इजीली देख सकते हो। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ IB7-1। ये मूवी 2023 में रिलीज हुआ है। ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है, जो आपको अपने कैरेक्टर्स के ट्विस्ट और टर्न्स में खींच लेगा। इसमें हम देखते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंट्स का कमाल, उनका डर, उनका डिटर्मिनेशन। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक सस्पेंसफुल सिचुएशन से, जहां पर हम देखते हैं कि देश के लिए एक खौफनाक थ्रेट होने वाला है। ये थ्रेट क्या है और कैसे IB7-1 एजेंसी से रोकने की कोशिश करते हैं, आप मूवी में जाकर देखो। इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसलिए देख सकते हो। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 7.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। ये मूवी 2018 में रिलीज हुआ था। ये कहानी है 1998 में, जब भारत ने अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इस फिल्म में दिखाती है कि एक छोटी सी टीम ने अपने देश के लिए काम करते हुए अपने सब कुछ दांव में लगा दिया था। परमाणु मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, इसलिए हिस्ट्रिकल एक्यूरेसी का भी ध्यान रखा गया है इस मूवी के अंदर। ये एक ग्रिपिंग टेल है, जिसमें हिस्ट्रिकल पैट्रिसिज्म सस्पेंस के साथ साथ चलता है। इस फिल्म को देखकर आपको भारत की शक्ति और उसकी यूनिटी का एहसास होगा। इस मूवी को आप G5 पर इजीली देख सकते हो। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ एयरलिफ्ट, जो 2016 में रिलीज हुआ था। ये एक हिस्ट्रिकल फिल्म है, जो कि 1999 में इराक और कुवैत के बीच हुई घटी गल्फ वॉर के दौरान बसे हुए कुछ आखिरी दिनों की कहानी पर आधारित है। इस मूवी के अंदर हम देखेंगे कि कैसे लोगों की हिम्मत और उनकी एकता उन्हें मुश्किल दौर में सामना करने में मदद करता है। इस मूवी के अंदर कुछ गाने हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया सोच ना सके, दिल चीज मुझे दे दी, ऐसे गानों ने इस फिल्म को और भी यादगार बना दिया है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ लगन, जो 2021 में रिलीज हुआ था। लगन एक क्रिकेट बेस्ड फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी कुछ ज्यादा ही दिलचस्प और गहराइयों से भरपूर है। लगन में हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटे से गांव की जनता ने भुवन के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ उठकर लड़ाई की, और जैसे जैसे क्रिकेट मैच आगे बढ़ती गई टेंशन और एक्साइटमेंट भी बढ़ती गई। हमने देखा कि कैसे इन देशभक्तों ने अपनी काबिलियत साबित की और साथ ही साथ एक मैसेज भी दे गया। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ मेजर, जो 2022 में रिलीज हुआ था। इस फिल्म की कहानी 26/11 मुंबई अटैक की है, जहां पर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी जान की कुर्बानी कर दी थी। फिल्म ने उस वक्त की घटनाओं को नई रोशनी में दिखाई है, और इस फिल्म के माध्यम से हमने उन वीरों की कहानी सुनने का मौका पाते हैं जो हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाती है। मेजर एक ऐसा फिल्म है जिसे देखकर आपके दिल गर्व से
छू जाएगा। मेजर संदीप 1999 के भीड़ की सम्मति इस फिल्म में उनकी कुर्बानी उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं को याद दिलाती है। इस फिल्म ने एंटरटेनमेंट के साथ ही साथ हमारे वीर जवानों को संप्रीति उनकी सच्ची कहानी को सजीव रूप से दिखाया है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ स्वदेश, जो 2004 में रिलीज हुआ था। ये मूवी दिखाती है कि कैसे हमारे रूट्स, कल्चर और सोसाइटी हमारे मॉडर्न एम्बिशंस को इंस्पायर कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट रियलाइजिंग कि हमारे पुराने संस्कार और सपने हमारे लिए कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकते। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक रियल प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब हम अपने घर से शुरू करते हैं। ये मूवी आज भी रिलेवेंट है क्योंकि हमें ये याद दिलाती है कि हमारे देश के फ्यूचर हमारे हाथ में है। इस मूवी को देखना एक मस्ट वॉच एक्सपीरियंस है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर इजीली देख सकते हो। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो 2019 में रिलीज हुआ था। ये फिल्म 2016 की उड़ी अटैक पर बेस्ड है, जिसमें हमारे देश के जवानों ने अपने ब्रेवरी और सेक्रीफाइस का अनमोल उदाहरण दिया। विकी कौशल ने मेजर व्यास सिंह सर्जिकल का रोल प्ले किया है, जो सर्जिकल स्ट्राइक के मिशन को लीड करता है। तो उनका प्लॉट है उनका स्ट्रगल और उनके टीम के साथ, जो अपने देश के सुरक्षा के लिए मुश्किल को पार करता है। उड़ी एक ऐसा फिल्म है जो रियलिस्टिक अप्रोच से बनाया गया है। इस फिल्म में कोई ओवर ऑफ द टॉप एक्शन या ड्रामा नहीं है, जो कि आजकल के फिल्म में आम बात है। ये फिल्म आपको फील कराती है कि आप एक रियल लाइफ इंसिडेंट को विटनेस कर रहे हैं। इसके वजह से आपके इंपैक्ट डबल हो जाता है। इस फिल्म को आप G5 पर इजीली देख सकते हो। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 8.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ शेरशाह, जो कि 2021 में रिलीज हुआ था। ये एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा है, जो दिखाती है कैप्टन विक्रांत बत्रा की कहानी को, जो कारगिल वॉर में अपने दिलों से लड़े और अपनी जान कुर्बान कर दी देश की रक्षा के लिए। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विक्रम बत्रा की रोल प्ले किया और उनका परफॉर्मेंस वाकई गजब का है। शेरशाह एक ऐसी कहानी है जो ना सिर्फ हमें विक्रम बत्रा जैसे वीरों की याद दिलाती है, बल्कि उनके साथ जुड़ी जिंदगी की पलों को भी दिखाती है। उनकी प्रेम कहानी और दोस्ती को दिखाती हुई ये फिल्म ऑडियंस के दिलों तक पहुंचती है। इस मूवी को आप Amazon Prime पर इजीली देख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहो तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।